सो व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स मी सोहेल, वेलकम बैक टू टेक्निकल सोहेल। और गाइस, आज का वीडियो मैं आपको कहूंगा, अगर आपका चैनल का एक साल हो जाता है, मतलब आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, यदि आपका चैनल इतना तारीख को बना है, आप देख सकते हैं अबाउट में आपका चैनल इतना तारीख को, मेरा चैनल को देख सकते हैं 26 अप्रैल 2017 को बना है, और मेरा एक साल हो गया तो मेरा चैनल डिसबैंड हो जाएगा, हो गया। सो गाइस, मतलब अगर आपका भी चैनल का एक साल हो जाता है, सो गाइस आपका चैनल डिसेबल, मतलब आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, आप मोनेटाइजेशन के एलिजिबल नहीं रहेंगे। सो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं जो एक साल पार हो जाए, दो साल हो जाए, तीन साल हो जाए, सो कैसे कीजिएगा, अगर मोनेटाइजेशन कैसे कीजिएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। और हमारे चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड बनाऊँ, मतलब अपलोड करूँगा ना, अगर वापस आए, तो गाइस मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सो दैट वेस्ट मोस्ट टाइम लेट दिस। मैं कह देता हूँ, जो आपका अगर एक साल होता है तो उसके बाद मोनेटाइजेशन कैसे करेंगे। और आप जब अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट तो आपका बहुत दिन पहले बन रहता है, मगर आप वीडियो अपलोड करते हैं, देन गाइस आप बोलोगे मैं आपका एक साल पहले मेरा चैनल का क्रिएट किया था, बट मैं दो साल बाद अपलोड कर रहा हूँ। कोई चैनल तो मैं देखिएगा 2015 को चैनल क्रिएट हुआ है, बट वो अभी यूट्यूब पे आ रहा है और वीडियो अपलोड कर रहा है, क्या उसका मोनेटाइजेशन होगा? ऑब्वियसली गाइस, इसका मोनेटाइजेशन ऑन होगा, बट आपको मैं समझा देता हूँ, मतलब इसमें रूल क्या है, 365 दिन कब होता है? आप बोलोगे जिस दिन मोनेटाइजेशन ऑन होगा उसके बाद जिस दिन मोनेटाइजेशन ऑन हो गया उसके बाद वाला 365 दिन के अंदर फिर से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 फर्स्ट टाइम गेन करना पड़ेगा। बट गाइस, आप गलत हो। आप जब अपना चैनल को एडसेंस के लिए, मतलब एडसेंस के लिए आप अप्लाई करते हो, जब आप क्रोम ब्राउजर में जाके ब्राउजर फीचर को, मतलब डेस्कटॉप साइड करके मोबाइल के लैपटॉप या डेस्कटॉप से, मतलब आप जब अप्लाई करते हो एडसेंस के लिए, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, वन में देखिएगा आपको कुछ रहता है, तो मैं स्क्रीनशॉट में आपको समझा देता हूँ। सो लेट्स सी। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, आप देख सकते हो इधर मोनेटाइजेशन का जो एक लिखा है मोनेटाइजेशन, तो उसमें आप देख सकते हैं एलिजिबल लिखा है और इसमें साइड में एनेबल लिखा है, तो एनेबल में आप जब भी क्लिक करते हैं, सो गाइस एनेबल क्लिक करने के बाद गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, आप समझ गए होंगे कैसा आता है। सो गाइस, ये मैं कहना चाहता हूँ, साइन अप फॉर एडसेंस, बट गाइस मेरा ये आप जो वीडियो देख लीजिए उसके बाद आपको मैं बोलूँगा, जो आप तीन नंबर देख सकते हो गाइस, मगर सॉरी फॉर दैट, ये तीन नंबर नहीं, आप दो नंबर देख सकते हो, सिंगापुर एडसेंस। इस दिन जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करता हूँ, देन गाइस आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आता है, देन गाइस सब में टिक करके इसे राइट कर देना चाहिए, देन गाइस उसको करने के बाद गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, मैं उसको कर देता हूँ। सो गाइस टिक टिक देन गाइस आई एक्सेप्ट में करने के बाद गाइस आप देख सकते हो सेकंड में आएगा आपका एडसेंस। तो इस दिन जिस दिन आप एडसेंस के लिए वो अप्लाई करेंगे, सो गाइस आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सो गाइस समझ गए, देख सकते हैं मेरा फर्स्ट वाला राइट हो गया होगा। सो गाइस आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला राइट, बट अब सेकंड वाला सिंग अप फॉर एडसेंस, बट आप थोड़ा देर बाद जो वीडियो देखिए उसमें मैं तीन नंबर बोलूँगा, बट इसके लिए सॉरी, हाँ आप दो नंबर देखिए, दो नंबर में आप साइन अप फॉर एडसेंस। तो जिस दिन आप इसको मतलब सिंग अप कीजिएगा अप्लाई कीजिएगा तो उस दिन से आपको मतलब 365 दिन मतलब गिनना चालू हो जाता है। सो गाइस आप समझ गए होंगे, जैसे समझ गए हैं, जैसे मैं अभी साइन अप फॉर एडसेंस में क्लिक करूँगा, तो स्टार्ट में और जो ये ऑप्शन है तो उसमें क्लिक कर देता हूँ। तो आज है आपका डेट 2 अप्रैल 2019, आज से मेरा ये गिनती चालू हो गया। इसके बाद 2 अप्रैल 2020 8:06 के अंदर मेरे को 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा इस चैनल से। समझ गए गाइस, ऐसा ही है, मतलब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सो गाइस अब मेरा फेस कैम वीडियो में देखिए। सो गाइस आपने देखा वो, तो ही मैं कहना चाहता हूँ, जो आप जैसे कि वो थर्ड तीन नंबर में जो आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद जिस दिन आप किए, मतलब एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और आप एडसेंस में आपका मतलब चैनल एडसेंस से मतलब ये हो जाता है, लिंक हो जाता है आपका यूट्यूब चैनल, जिस दिन एडसेंस से लिंक हो जाता है,
उस दिन से, उस दिन से 365 दिन 365 डेज, उस दिन से आपका मतलब गिनती चालू हो जाता है, मतलब चालू हो जाता है उस दिन के बाद 365 के दिन के अंदर आपको 4000 वर्स्ट टाइम 1000 सब्सक्राइबर गेन करना पड़ता है, मतलब करना पड़ता है। तो यही आपका टास्क। सो गाइस आप क्लियर हो गया होगा, आप लोग सोचते होंगे 2013 को मैं 15 को चैनल बनाया हूँ, बट अभी मेरा अपलोड कर रहा हूँ 1.5 साल बाद, क्या मैं चैनल बन रहा हूँ? बट गाइस आप टेंशन मत लीजिए, आपको आप जब आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, मतलब सोचिए ऑन हो जाएगा, उसके बाद फिर से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम गेन करना पड़ेगा। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, या क्या देता हूँ, जो गाइस 365 दिन जिस दिन आप अप्लाई किए हैं एडसेंस के लिए, तो एडसेंस आपका 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम आप एक साल में 365 दिन में करने नहीं सकें। जी हाँ गाइस, आप करने नहीं सकें। सो गाइस आप बोलोगे कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, मैं यूट्यूब में काम नहीं कर सकूँ, ऐसा करके। सो गाइस आप गलत हो, आप ऑब्वियसली 2-3 महीना फिर से आप कर लें, 2-3 महीना के अंदर आप कर लें तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन होगा। सो गाइस यही कुछ बहुत अच्छा बात थे, मतलब बहुत यूट्यूबर को कन्फ्यूज होता है, ऐसा कि मेरे को भी हुआ है। देन गाइस मैं पता किया देन इसका मतलब सॉल्यूशन निकाल के मैं समझा हुआ ऐसा बात है। देन गाइस बहुत दिन पहले फिर मैं समझा, देन अभी आपको भी मैं समझ रहा हूँ आपका भी कैसा होता होगा, जो मेरा भी ऐसा था उस टाइम, कैसे मैं पता करूँ, इसलिए आपको ही मैं शेयर किया। तो आप टेंशन मत लो, अपना कंटेंट डालते जाओ, झकास झकास झकास, एक दिन ना एक दिन आप बोलोगे एक दिन ना एक दिन तो हो गए। तो गाइस आप अच्छा कंटेंट डालिए, आप ऑब्वियसली चैनल मोनेटाइज होगा। और बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, लाइक एंड दोस्तों शेयर कीजिएगा, और अपने चैनल पर ही बना चलो प्लीज सब्सक्राइब, बेल में क्लिक कर लीजिएगा। तो गाइस बस वीडियो में इतना, धन्यवाद, हैव अ गुड डे, या हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।